गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हमने अपना चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और ईथर स्टार्ट किया था, तो मैंने तुम्हें जनरल इंट्रोडक्शन बताया था सिर्फ अल्कोहल का, कि हम अल्कोहल क्या होता है और अल्कोहल की नेमिंग कैसे करेंगे। आज हम पढ़ते हैं फिनोल के बारे में, ठीक है। चैप्टर का नाम था अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो फिनोल क्या होते हैं देखो, फिनोल आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर बेटा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन था तो उसको हमने क्या बोला, अल्कोहल, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को क्या बोला, फिनोल। देखो बेटा ये हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह OH का एडिशन किया तो ये हमें क्या मिल गया, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको हम बोलते हैं फिनोल। क्या बोलेंगे, फिनोल, ठीक है। आगे देखो, फर्दर फिनोल कैन बी क्लासिफाइड एज, फिनोल कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक फिनोल डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप ऑन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन OH से रिप्लेस हुआ तो क्या होगा, मोनोहाइड्रिक, दो रिप्लेस हो गए डाइहाइड्रिक और तीन रिप्लेस हो गए तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होगा, विच कंटेन्स वन OH बॉन्ड, जिसके अंदर एक OH बॉन्ड हो या एक OH ग्रुप होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, जैसे बेटा मैंने तुम्हें दिया OH, ठीक है, एक बार हमने लिया यहाँ पे OH, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे CH3 और OH के रिस्पेक्ट में मेटा पे CH3 और OH के रिस्पेक्ट में पैरा पे CH3, ये हमारे क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्यों बेटा, इनके अंदर एक OH ग्रुप है। तो इसको देखो, इसको हम पहले इनका हम करेंगे कॉमन नेम और कॉमन नेम के बाद बताऊंगी IUPAC नेम। बेंजीन रिंग पे OH, तो इसको हम कॉमनली बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। क्या, कार्बोलिक एसिड। यहाँ देखो बेटा OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे CH3, तो ये क्या है हमारा, ऑर्थो क्रिसोल, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में क्या है, मेटा पे, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटा क्रिसोल। और यहाँ देखो कौन से पे है, पैरा पे, तो ये क्या होगा, पैरा क्रिसोल। ये कॉमन नेम करे, अब हम इनके करेंगे IUPAC नेम। IUPAC नेम, बेंजीन रिंग पे OH, एक OH कॉमनली क्यों, क्या बोल रहे हैं, कार्बोलिक एसिड, इसका IUPAC नेम होगा फिनोल। तो यहाँ देखो बेटा ये OH ग्रुप बेंजीन रिंग, क्योंकि इसको तो फिनोल बोलेंगे और ये हमारा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप, इसको फर्स्ट कार्बन, इसको सेकेंड, तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा, टू पे क्या है प्रीफिक्स मिथाइल, तो क्या बोलेंगे, टू मिथाइल फिनोल, टू मिथाइल फिनोल। नेक्स्ट में देखो, जिस कार्बन पे हो जिसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो ये क्या हो गया, फिनोल, और ये CH3 क्या है, प्रीफिक्स, तो कौन सी कार्बन पे है, थ्री पे, तो क्या लिखेंगे, थ्री मिथाइल फिनोल, थ्री मिथाइल फिनोल। यहाँ देखो इस OH को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये तो हमारा फिनोल हो गया, ये प्रीफिक्स क्या हुआ, मिथाइल, कौन सी कार्बन पे, फोर पे, तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा बेटा, फोर मिथाइल फिनोल, फोर मिथाइल फिनोल।
तो ये हमने क्या देखा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल विच कंटेन्स वन OH बॉन्ड। अब हम पढ़ेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल 20 मिनट। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होगा, विच कंटेन्स टू OH ग्रुप, जिसके अंदर कितने OH ग्रुप हो, दो OH ग्रुप। तो बेटा क्या होगा, देखो ये OH इसके रिस्पेक्ट में एक बार OH कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे, यस और नो, एक बार इस OH के रिस्पेक्ट में दूसरा OH कहाँ जाएगा, मेटा पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो OH के रिस्पेक्ट में दूसरा OH कहाँ गया, पैरा पे। तो हम इनकी कॉमन नेमिंग भी करेंगे और IUPAC नेमिंग भी करेंगे। अगर बेटा OH बॉन्ड है, एक बार कहाँ पे आया, ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे, कितने OH है, दो दो। तो हम इनकी क्या करेंगे, हम इनकी कॉमन नेमिंग भी करेंगे और IUPAC नेमिंग भी करेंगे। तो यहाँ देखो बेटा, इसको हम पहले इनकी कॉमन नेम, तो इसको हम कॉमनली बोलते हैं कटेकल। कटेकल तुम्हें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर। और मेटा पे OH है तो इसको हम कॉमनली बोलते हैं रिजोर्सिनल, रिजोर्सिनल। और मेटा पे है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्यूनोन, क्या, हाइड्रोक्यूनोन। ओके, तो ये तो इनके क्या हो गए, कॉमन नेमिंग हो गए। अब हम इनकी IUPAC नेमिंग करते हैं बेटा। तो यहाँ देखो, अब ये भी सफिक्स, ये भी सफिक्स, दोनों को सफिक्स मानेंगे तो ये रिंग क्या बनेगी, बेंजीन। तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा, बेंजीन 1,2-diol। यहाँ देखो 1,2,3, तो क्या आएगा बेटा IUPAC नेम, बेंजीन 1,3-diol। यहाँ देखो 1,2,3,4, तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा, बेंजीन 1,4-diol। तो ये हमारे क्या हो गए, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अब हम पढ़ेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई मीन्स बेटा तीन OH ग्रुप हो, तो ये क्या होंगे, विच कंटेन्स 3 OH ग्रुप। बेंजीन रिंग पे 3 OH ग्रुप होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। देखो मैंने एक OH यहाँ दिया, एक यहाँ, एक यहाँ। मैं कहूँ बेटा इसकी IUPAC नेमिंग करूँ, तो कैसे करोगे IUPAC नेमिंग, देखो 1,2,3,4,5,6, तो तीनों सफिक्स होंगे और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, बेंजीन। तो इसकी IUPAC नेम क्या आएगी, बेंजीन 1,3,5-triol। तो यहाँ मैंने तुम्हें बताया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, दो OH है डाइहाइड्रिक, तीन OH है ट्राईहाइड्रिक, क्यों। अब देखो बेटा, अब मैं कुछ और इनकी नेमिंग करवाती हूँ तुम्हें, ध्यान से देखना बेटा। मैंने कहा बेटा OH, एक बार इसके ऑर्थो पे NO2 डाल दिया, OH मेटा पे NO2, OH पैरा पे NO2, हाँ OH, और इसके रिस्पेक्ट में सभी ऑर्थो पैरा पे NO2, ठीक है, है तो सारे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, बिकॉज ऑल ऑफ अस कंटेन्स ओनली 1 OH बॉन्ड। अब हम इनकी कॉमन और IUPAC नेमिंग करेंगे, तो फर्स्ट वी डिस्कस कॉमन नेम, देन IUPAC नेम, ठीक है बेटा। तो ये देखो, इस OH के रिस्पेक्ट में NO2 कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो, तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। यहाँ का है बेटा मेटा पे, तो क्या होगा, मेटा नाइट्रोफिनोल। यहाँ किस पे है, पैरा पे, तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल। यहाँ OH के रिस्पेक्ट में हर ऑर्थो पैरा पे NO2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन क्या बोलते हैं बेटा, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। अब IUPAC नेम करेंगे, तो बेटा OH हमारा सफिक्स, तो ये NO2 क्या होगा, प्रीफिक्स होगा, क्या होगा, प्रीफिक्स। कौन सी पोजीशन पे है, सेकेंड पे, तो क्या लिखेंगे, 2-nitrophenol, 2-nitrophenol। यहाँ देखो OH को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये प्रीफिक्स कौन सी कार्बन पे, 3 पे, तो इसकी नेमिंग क्या आएगी, 3-nitrophenol। यहाँ देखो OH को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ पे NO2, तो क्या लिखेंगे, 4-nitrophenol। यहाँ देखो
OH को फर्स्ट, क्योंकि ये सफिक्स है, और ये तीनों हमारे क्या बनेंगे, प्रीफिक्स। कौन कौन सी कार्बन पे, टू पे, फोर पे, सिक्स पे, क्या लिखेंगे, ट्राई नाइट्रो, मीन्स तीन नाइट्रो ग्रुप है, फिनोल, ट्राई नाइट्रो फिनोल। तो बेटा यहाँ देखो, तुम्हें फिनोल की नेमिंग कुछ समझ आई होगी, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं ईथर। हमारा चैप्टर का नाम ही था एल्कोहल, फिनोल और ईथर। अभी मैं तुम्हें इनका जनरल इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। ईथर क्या होंगे बेटा, ओ के दोनों साइड अगर कार्बन एटम जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईथर। क्या, ओ के दोनों साइड अगर कार्बन एटम जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, ठीक है। तो ईथर क्या होंगे, देखो, ईथर्स आर द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एल्कोक्सी। एल्कोक्सी मीन्स बेटा OCH3 ग्रुप, और अराइल एल्कोक्सी, ओ और कैसा ग्रुप हो, एरोमेटिक, ओ ए आर, ठीक है। तो हम ईथर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओ आर आर। ये आर हमारा एल्काइल भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है। फर्दर हम कहेंगे, अगर इस ओ के दोनों साइड कैसा कार्बन जुड़ा हो, एलिफैटिक कार्बन, एलिफैटिक हो तो उसको हम बोलते हैं एलिफैटिक ईथर। क्या बोलते हैं, एलिफैटिक ईथर। अगर इस ओ फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड क्या जुड़ा हो, एरोमेटिक, क्या जुड़ा हो बेटा, एरोमेटिक स्ट्रक्चर, तो इसको हम बोल देंगे एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर, या इसको बोलते हैं डाई अराइल ईथर, ठीक है। अगर इसके एक साइड तो क्या हो, एरोमेटिक रिंग हो, एक साइड एल्काइल हो, तो इसको हम बोलते हैं एल्काइल अराइल ईथर। क्या बोलेंगे, एल्काइल अराइल ईथर, ओके। अब बात करते हैं ईथर की IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, IUPAC नेम। तो बेटा ईथर की IUPAC नेमिंग के लिए लिखते हैं एल्कोक्सी एल्कीन। ध्यान से सुन लो, एल्कोक्सी एल्कीन, जो कार्बन नंबर में छोटा होगा उसका बनेगा एल्कोक्सी, जो कार्बन नंबर में छोटा होगा उसका एल्कोक्सी, और जो बड़ा होगा उसका एल्कीन। तो मैं कुछ स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रही हूँ उनकी, बेटा मैं तुम्हें कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों करवाऊंगी। हम उनकी कॉमन नेमिंग भी करेंगे और IUPAC नेमिंग भी करेंगे, ठीक। देखो पहले इन्हीं की देख लो, यहाँ लिखेंगे कॉमन नेम और यहाँ हम इनकी करेंगे IUPAC नेम। अब बेटा देखो, कॉमन नेम में क्या करोगे, दोनों साइड सेम ग्रुप है तो डाई एल्काइल ईथर। अगर अलग अलग है, जैसे यहाँ देखो अलग अलग, एक साइड एक कार्बन, एक साइड दो कार्बन, तो अब इसका इथाइल लिखेंगे, इसका मिथाइल, कॉमन नेमिंग में इसका इथाइल इसका मिथाइल, तो कॉमन नेमिंग में अल्फाबेटिकली करेंगे, पहले इथाइल फिर मिथाइल और क्या है, ईथर। यस और नो, मैंने बताया कॉमन नेमिंग के लिए अगर ओ के दोनों साइड हमारा अरेंजमेंट सेम है तो हम डाई एल्काइल करके नेमिंग कर देंगे, तो इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल ईथर। अब यहाँ देखो, यहाँ एक कार्बन यहाँ दो, इसको इथाइल लिखते हैं, इसके लिए मिथाइल, तो पहले इथाइल आएगा, तो इसकी कॉमन नेमिंग क्या आएगी, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। यहाँ देखो बेटा, इसकी कॉमन नेमिंग, ये मिथाइल, ये आइसोप्रोपाइल, यस और नो, हमने हेलो एल्केन में कॉमन ग्रुप्स पढ़ लिए थे, आइसोप्रोपाइल, तो इसका एम आएगा, इसका आइसो, तो पहले क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल, तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा, आइसोप्रोपाइल ईथर। अब बात आई IUPAC नेमिंग में, तो IUPAC में क्या कहा, एल्कोक्सी किसका बनेगा, जो कार्बन नंबर में कम होगा उसका एल्कोक्सी, यहाँ एक तो किसी का एल्कोक्सी बना दो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मिथोक्सी मीथेन। यहाँ देखो, यहाँ एक कार्बन या दो, तो छोटा कार्बन ये है, तो इसका क्या बनेगा, एल्कोक्सी, तो इसकी IUPAC नेम क्या आएगा बेटा, मिथोक्सी ईथेन। यहाँ देखो, इसका एल्कोक्सी बनेगा, लेकिन ये देखो इसका फर्स्ट कार्बन इससे नहीं जुड़ा हुआ, कौन सा जुड़ा हुआ है, सेकंड, तो पहले क्या लिखोगे, टू, क्योंकि ये इसकी सेकंड कार्बन इसके साथ क्या बना रही है, लिंकेज। अब छोटा कौन सा है, एक कार्बन का, तो क्या लिखोगे, टू मिथोक्सी,
और ये कितना, एक दो तीन, तो क्या आएगी इसकी आयु पैक नेम, टू मिथोक्सी प्रोपेन, टू मिथोक्सी प्रोपेन। देखो आगे और करवाती हूँ, आगे देखो बेटा मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर दिया CH3 CH2 O CH2 CH3, मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर दिया बेटा CH3 O CH2 CH CH3 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 O CH3 CH3 CH3, ठीक है, C6H5O CH3 C6H5O CH2 CH3। भाई इनके हम कॉमन नेम भी करेंगे और आयु पैक नेम, कॉमन नेम कर लेते हैं दोनों साइड सेम, तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए, डाई अल्काइल ईथर, और कितने कार्बन है, दो दो, तो क्या आएगा कॉमन नेम, डाई इथाइल ईथर। यहाँ देखो बेटा दोनों साइड अलग अलग है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, मिथाइल, और ये क्या बन गया हमारे पास, आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल और ये मिथाइल, तो कौन सा पहले आएगा अल्फाबेटिकली, बी, और बाद में क्या आएगा, एम, तो इसका हम आयु कॉमन नेम क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटाइल, और ये क्या है, मिथाइल, लास्ट में ईथर। अब इसमें देखो बेटा ये स्ट्रक्चर क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल, और ये क्या है, मिथाइल, इसका एम आएगा, इसका बी, ये सुनो, टर्शरी से नहीं देखेंगे, ब्यूटाइल से देखेंगे, बी, तो क्या आएगा इसका कॉमन नेम, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। यहाँ देखो बेटा एक साइड ये मिथाइल, एक साइड बेंजीन, तो ये मिथाइल हमारा क्या बनेगा, पहले मिथाइल लिखेंगे फिर फिनाइल, तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा, मिथाइल फिनाइल ईथर, और बेटा इसको हम कॉमनली बोलते हैं एनिसोल, क्या बोलते हैं, एनिसोल, और C6H5O CH2 CH3, ये इथाइल ये फिनाइल, तो पहले क्या लिखेंगे, इथाइल, और बाद में क्या लिखेंगे, फिनाइल, तो क्या आएगा इसका नेम, इथाइल फिनाइल ईथर, और इसको हम कॉमनली बोलते हैं बेटा फेनिटोल, क्या, फेनिटोल। ओके, अब हम इनकी आयु पैक नेमिंग करते हैं, तो आयु पैक नेमिंग के लिए हमें पता है एल्कोक्सी एल्केन, तो बेटा एल्कोक्सी किसकी बनता है, जो कार्बन नंबर में छोटा हो, या तो देखो ये भी दो किसी का एल्कोक्सी बना लो, तो आयु पैक नेमिंग क्या आएगा, इथोक्सी इथेन। यहाँ देखो एक है इसका एल्कोक्सी बनेगा, लेकिन यहाँ देखो बेटा 1 2 3 इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रीफिक्स प्रेजेंट है, तो सबसे पहले फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, नो टेंशन, फर्स्ट से जुड़ा हुआ है तो क्या लिख दोगे, 1, और ये क्या है, पहले एल्कोक्सी छोटे कार्बन का बनेगा तो मिथोक्सी, अब इसके कौन से पे, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 पे मिथाइल, और कितने कार्बन, 3, तो प्रोपेन, समझ आया ना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, इसका एल्कोक्सी बनेगा, लेकिन ये देखो कितने कार्बन की चेन बन रही है, 1 2 3, तो ये फर्स्ट कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है सेकेंड से, तो पहले क्या लिखोगे, 2, और ये क्या है, मिथोक्सी, और ये इसके अंदर क्या है, प्रीफिक्स कौन से कार्बन पे, 2 पे, तो 2 फिनाइल मिथाइल, कितने कार्बन, 3, प्रोपेन, ठीक है। यहाँ देखो एक कार्बन 6 कार्बन, इसके लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल, इसके लिए फिनाइल, तो मिथोक्सी बनेगा, क्योंकि पहले एम आएगा बाद में पी, तो इसका नेमिंग क्या आएगा, मिथोक्सी बेंजीन। यहाँ देखो एल्कोक्सी एल्केन, तो ये कार्बन छोटा है, तो इसका क्या बनेगा, एल्कोक्सी, तो इसकी आयु पैक नेम क्या आएगी, इथोक्सी बेंजीन। ओके बेटा, क्लियर हुआ होगा कि कैसे इनकी नेमिंग की। अब आगे मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्पीसीज हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल, हम आइसोमेरिज्म किस में डिस्कस करेंगे, एल्कोहल के अंदर। तो बेटा एल्कोहल जो होगा, इट विल शो 2 types ऑफ आइसोमेरिज्म, फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज पोजिशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, इसमें क्या होगा बेटा, स्ट्रक्चर डिफर इन डिफरेंट इन चेन लेंथ, किस में डिफर करेंगे, चेन लेंथ में। देखो कैसे,
जैसे मैंने तुम्हें कहा ब्यूटेनॉल, क्या ब्यूटेनॉल। तो देखो बेटा चार कार्बन का एल्कोहल, एक तो तुम क्या कर सकते हो चार कार्बन स्टेट चेन में यहाँ OH, एक स्ट्रक्चर तुम क्या कर सकते हो तीन कार्बन स्टेट चेन में एक की ब्रांचिंग और यहाँ OH। तो यहाँ देखो इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर बेटा हमारा फॉर्मूला सेम आ रहा है, फॉर्मूला क्या आएगा सेम, लेकिन ये स्ट्रक्चर किस में डिफरेंट कर रहे हैं अरेंजमेंट में, यहाँ चार कार्बन की चेन लेंथ है यहाँ तीन कार्बन की, इसकी IUPAC नेम क्या आएगी बेटा ब्यूटेन वन। यहाँ देखो 1 2 3 ये वर्ड रूट, ये सफिक्स, तो ये क्या बनेगा प्रीफिक्स, तो क्या आएगी यहाँ आएगा 2-methyl 2-methyl। तीन कार्बन प्रोब, सारे बॉन्ड सिंगल एन वन पे, तो ये हमारी क्या हो गई चेन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर किस में डिफर करेंगे चेन लेंथ में। दूसरा बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो ये स्ट्रक्चर किस में डिफर करेंगे दे विल डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दे विल डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफर इन पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। जैसे मैंने ब्यूटेन ऑल हुआ था, मैंने क्या कहा ब्यूटेन ऑल, तो एक तो तुम क्या करोगे चार कार्बन स्टेट चेन में यास्ट OH, यस और नो, वैलेंसी पूरी कर दो, और दूसरा तुम क्या करोगे चार कार्बन स्टेट चेन में और यहाँ OH। तो ये किस में डिफर कर रहे हैं बेटा पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ फंक्शनल ग्रुप को कौन सी पोजीशन मिली फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे सेकंड पोजीशन। अगर तुम इसका IUPAC नेम करोगे तो क्या लिखोगे ब्यूटेन वन ओल, और इसका करोगे तो क्या लिखोगे ब्यूटेन टू ओल। तो दीज टू स्ट्रक्चर विल डिफर इन द पोजीशन ऑफ OH बोंड, इसमें डिफर कर रहे हैं ये पोजीशन ऑफ OH बोंड। क्लियर हुआ ये। अब आगे देखो, ये तो हमने पढ़ा आइसोमेरिज्म किसके अंदर, आइसोमेरिज्म पढ़ा एल्कोहल के अंदर। अब मैं तुम्हें बताऊंगी बेटा आइसोमेरिज्म इन ईथर। नाउ वी डिस्कस अबाउट आइसोमेरिज्म इन ईथर। आइसोमेरिज्म इन ईथर, ठीक है बेटा। तो ईथर क्या है बेटा, ओ के दोनों साइड क्या हो फंक्शन, क्या हो कार्बन एटम, चाहे वो एल्काइल हो या अराइल हो। तो ईथर हमें दो प्रकार का आइसोमेरिज्म शो करेगा, एक तो शो करता है बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ईथर विल शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एंड सेकंड इट विल शो मेटामेरिज्म, ठीक है। जो जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म ईथर जो है, ईथर विल शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमर्स विद एल्कोहल, किसके साथ शो करता है एल्कोहल के साथ। जैसे मैं तुम्हें ये कहूँ कि बेटा मैंने तुम्हें मोलिकुलर फॉर्मूला दिया C3H8O, तो यहाँ देखो क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, क्या तो ये तीन कार्बन का क्या हो सकता है एल्कोहल, और ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसके साथ शो करेगा ईथर। तो तीन कार्बन का ईथर तुम क्या ऐसा कर सकते हो बेटा, एक साइड दो कार्बन और एक साइड एक कार्बन। तो देखो क्या ये फॉर्मूला सही है, यहाँ तीन कार्बन हाइड्रोजन 8 8, ऑक्सीजन 1 1, तो ये क्यों शो कर रहा है एक दूसरे के क्या है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसकी नेमिंग क्या आएगी, इसकी नेमिंग आएगी प्रोपेन वन ओल। यहाँ देखो जो कार्बन नंबर में इसके लिए क्या है लिखोगे बेटा छोटा होगा वो क्या बनेगा एल्कोक्सी, और यहाँ कितने कार्बन है दो, तो ये बड़ा यहाँ पे इथेन, तो इसकी नेमिंग क्या आएगी मिथोक्सी इथेन, मिथोक्सी इथेन, ओके। नेक्स्ट देखो मैंने फॉर्मूला दिया C4H10O, तो कैसे लिखोगे ओ चार कार्बन का एल्कोहल भाई स्टेट चेन में लिख दो CH3 CH2 CH2 OH, और चार कार्बन का ईथर कैसे अरेंज कर लोगे बेटा, एक साइड दो कार्बन एक साइड दो कार्बन CH2 CH3 CH2 CH3 CH2। देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो ये क्या शो कर रहे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसकी IUPAC नेमिंग क्या आएगी, इसकी IUPAC नेमिंग आएगी ब्यूटेन वन ओल, और इसकी क्या आएगी इथोक्सी इथेन, ठीक है। दूसरा ही हमें ये क्या शो करते हैं दे विल शो मेटामेरिज्म, क्या दे विल शो मेटामेरिज्म, मीन्स दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप ओ,
मेटामेरिज्म में क्या होगा, इस ओ के सराउंडिंग में कार्बन लेंथ में चेंज होना, तो वो क्या होता है, मेटामेरिज्म। ठीक है, जैसे मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारे पास फॉर्मूला है, यहाँ देखो बेटा, मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर वेरीज, स्ट्रक्चर वेरीज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू ओ, अटैच्ड टू ओ। ठीक है, देखो जैसे मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया C4H10O, तो तुम इस स्ट्रक्चर को देखो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तो तुम ये कर सकते हो, ओ के दोनों साइड दो दो कार्बन, यस और नो। दूसरा क्या कर सकते हो, ओ के एक साइड एक कार्बन और एक साइड तीन कार्बन, ये भी कर सकते हो, ओ के एक साइड एक कार्बन और एक साइड तीन कार्बन, लेकिन वो कैसे जुड़ी हो, ब्रांचिंग से। तो इनमें देखो बेटा तीनों के अंदर फॉर्मूला C4H10O ही आएगा, लेकिन ये किस में डिफर कर रहे हैं, अरेंजमेंट अलोंग द ओ ग्रुप, अरेंजमेंट अलोंग द ओ ग्रुप। इसकी IUPAC नेमिंग लिखोगे तो बेटा दोनों साइड सेम कार्बन, किसी का भी एल्कोक्सी बना दो तो क्या लिखोगे IUPAC नेम, इथोक्सी इथेन। यहाँ देखो एक कार्बन या तीन कार्बन, तो ये कम में इसका क्या बनेगा, एल्कोक्सी, तो इसकी IUPAC नेम क्या आएगा, मिथोक्सी प्रोपेन, मिथोक्सी प्रोपेन। यहाँ देखो बेटा एक कार्बन का एल्कोक्सी तो इसी का बनेगा, लेकिन ये देखो किससे जुड़ा हुआ है, सेकंड कार्बन से, तो पहले टू और फिर क्या है, मिथोक्सी, और इसमें कितने कार्बन है, तीनों स्टेट चेन में आ रहे हैं, तो क्या लिखोगे, प्रोपेन। तो ये इसकी IUPAC नेम होगी 2-methoxypropane। तो बेटा मैंने तुम्हें इनके IUPAC नेम बता दिए, स्ट्रक्चर बता दिए, आइसोमेरिज्म बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल स्टार्ट करूंगी, तो तुम अपनी बुक से नेम से बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला और नेम से IUPAC नेम से स्ट्रक्चर ड्रा करना और स्ट्रक्चर से IUPAC नेम करना, उनकी प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू बेटा।